नमस्कार, मैं विनय कुमार मलिक फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके, हमारी नई साइट की वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। और इस कॉलोनी के विषय में मैं आपको पूरा विस्तार से, जैसे मैंने पहली वीडियो में अपनी डिफेंस गार्डन फेस वन लिलोन के विषय में बताया था, तो जिसे आपने देखा और लाइक किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आएगी। ये मैं खड़ा हूँ गोहरनी और भैंसवाल वाले चौराहे पे, रिंग रोड के ऊपर खड़ा हूँ, जो शामली के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है। तो आपको लोकेशन की जानकारी दे दूँ, तो अगर मेरे लेफ्ट साइड में अगर इधर जाते हैं हम, तो ये बनत तहसील पर पहुँच जाती है रोड। पहले सहारनपुर वाली रोड को क्रॉस करेगी, फिर बनत तहसील मुजफ्फरनगर वाली रोड को क्रॉस करेगी, उसके बाद मेरठ वाली रोड आती है, फिर बड़ौत वाली रोड आ जाती है और ये सीधे कराना चली जाती है इधर। और अगर इधर की बात करें तो इधर ये झिझाना चली जाती है, झिझाना को होते हुए करनाल वाले हाईवे से जुड़ जाती है। पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये सीधी रोड गोहरनी होते हुए भैंसवाल पहुंच जाती है, और इधर ये सब्जी मंडी से आदर्श मंडी थाना होते हुए यहाँ इस चोपले पे आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे, तो सीधे हाथ की तरफ अगर आप टर्न करते हैं तो हम अपनी साइट पर पहुँच जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, गोहरनी चौपले पे मैंने खड़े होकर आपको बताया था कि भाई यहाँ से आप अगर लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हमारी कॉलोनी में पहुँच जाएंगे। तो मैं यहाँ कॉलोनी के सामने खड़ा हुआ हूँ, और ये पीछे मेरे हमारी कॉलोनी का एंट्रेंस है, 50 फीट का रोड जो जा रहा है। और ये जो इधर जो मोटरसाइकिल गई है, ये झिझाना की तरफ चली जाती है जो करनाल रोड को जोड़ता है। और अगर आप इधर देखें तो सामने अगर आपको ई रिक्शा जाती हुई दिखाई दे रही होगी, तो ये गोहरनी चौपले पर चली जाती है। और यहाँ से आप सिर्फ गोहरनी चौपले से अगर आप आते हैं तो सिर्फ 200 मीटर चलने के बाद ही राइट हैंड पे हमारी कॉलोनी है, और वहीं से गोहरनी चौपले से ही हमने ये पूरे झंडे यहाँ लगाए हुए हैं, जो आपको यहाँ कैमरे में भी दिखाई दे रहे होंगे। और इसके विषय में मैं अब कॉलोनी के आइए, मैं आपको कॉलोनी के अंदर लेके चलता हूँ। ये हमारी 50 फीट की रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, पूरा सीधा 50 फीट का रोड पूरा चला जाता है, जिसका भराव पूरा हो चुका है। और यहाँ पर इसका मेन गेट, यहाँ हमारा हाईवे के बिल्कुल हाईवे के ऊपर मेन गेट डिफेंस गार्डन फेज 2 का बनेगा, जिसे हम बोलते हैं डिफेंस गार्डन फेज 2 गोहरनी बाईपास। और अगर आप इधर मेरे लेफ्ट में देखें तो ये प्रपोज प्लान है मॉल का, जो शामली में अपनी तरह का पहला मॉल होगा। और इधर पीछे ये कॉमर्शियल का निर्माण चल रहा है, मार्केट, जो कॉलोनी वासियों के लिए जो मार्केट का निर्माण किया है, जिसमें उनकी ज़रूरतों का सारा सभी तरह की दुकानें यहाँ उपलब्ध होंगी। और आइए मैं आपको मार्केट के विषय में भी बता देता हूँ और मार्केट दिखा देता हूँ। मार्केट के विषय में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा मैप है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मॉल की साइट है ये भी अलग से है, और ये 50 फीट का रोड भी आपको दिख रहा है इसमें, और हमने इसमें कॉमर्शियल भी थोड़ा सा इंगित किया है कि भाई हमारा कॉमर्शियल कहाँ पर है। ये मैं खड़ा हूँ अपना लोकल कॉमर्शियल जो कॉलोनी का है, जिसमें कॉलोनी वासियों के लिए हमने 18 दुकानें बनाई हैं, जो 18 दुकानें, 9 दुकानें इधर फेस की हैं और 9 दुकानें दूसरी तरफ हैं। तो 18 ये हैं दुकानें यहाँ जो कॉलोनी वासियों के लिए, इनका एंट्रेंस तो कॉलोनी के अंदर ही है, लेकिन इनका मॉल से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि मॉल हमारा मेन हाईवे पे जो रिंग रोड बन रही है उस पे उसकी ओपनिंग होगी। दुकानों का साइज जो है हमारा 10x22 फीट का है, जो बहुत ही मतलब उपयुक्त साइज है किसी भी व्यापार को, छोटा मोटा व्यापार अपना करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ हमारे पास दुकानें भी उपलब्ध हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आइए और अपनी एक दुकान अपने नाम कीजिए। थोड़ा सा मैं आपको पहले कॉलोनी की जो सुविधाएं हैं उनके विषय में बता देता हूँ। हमारी कॉलोनी डिफेंस गार्डन फेज 2 गोहरनी बाईपास पर जो सिंगल गेट कॉलोनी होगी, जिससे एंट्री होगी और उसी से एग्जिट होगी, और दिन में एक गार्ड दिन में रहेगा और रात को आपको गनमैन बैठा हुआ मिलेगा, जो आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखेगा। चारों तरफ हमारी कॉलोनी के बाउंड्री होगी, जो सुरक्षा की दृष्टि से हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो बिजली की अगर हम बात करें, तो हम शामली टाउन की बिजली आपको उपलब्ध कराएंगे, हर प्लॉट पर बिजली उपलब्ध कराएंगे, और जितने भी खंभे हमारी कॉलोनी में लगेंगे उनमें सभी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम करेंगे, और जितने भी मोड़ या जितने भी चौराहे हमारी कॉलोनी में हैं उन पर हम आपको सीसीटीवी कैमरे लगा के देंगे सुरक्षा की दृष्टि से। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी कॉलोनी में रास्ते जो है 40 से 50 फुट, 50 फुट और 40 फुट के रास्ते होंगे, और
सिविर लाइन भी इसमें हम डाल के देंगे। जो सिविर लाइन है वो हर हर प्लॉट के सामने सिविर लाइन का एक ढक्कन होगा, जिससे आपकी पानी की निकासी की व्यवस्था आसानी से हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपनी कॉलोनी में सिविर लाइन डाल के देते हैं, जिससे पानी की निकासी संभव हो। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मेन हॉल है, ये मेन हॉल जितनी ऊंचाई है मेन हॉल की आपको दिखाई दे रही है, इतना भरा हम रास्ते का करके देंगे। ये 40 फुटा रोड है जिस पे ये सिविल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इससे ये हर दो प्लॉट के बाद एक मेन हॉल, हर दो प्लॉट के बीच में एक मेन हॉल है, जिससे कि दोनों घरों के पानी की निकासी संभव हो। और आप पीछे मेरे, ये सामने मेरे देख रहे हैं कि ये इतने चौड़े पाइप हम इसमें सिविल लाइन में डाल रहे हैं, जिससे कि आगे जो है अव्यवस्था किसी भी प्रकार की ना हो, पानी की निकासी प्रॉपर चलती रहे। जैसा कि कॉलोनी में घुसते ही मैंने आपको अपना लोकल कॉमर्शियल दिखाया था, 9 दुकानें मैंने आपको दिखाई थी, और मैंने आपसे कहा था कि 9 दुकानें दूसरी तरफ फेस की हैं। तो ये मेरे पीछे जो है पार्क फेसिंग की 9 दुकानें और हैं, और ये 9 दुकानें भी लोकल कॉमर्शियल की हैं, जो बैक टू बैक, जो पहले दुकानें दिखाई थी उनके बैक टू बैक हैं। और उनके सामने ये हमने 15 फीट का रास्ता दिया है, जो सिर्फ मार्केट के लिए उपयोग होगा। और मार्केट 15 फीट के रास्ते के बाद ये हमारा पार्क है, जिसमें हम ओपन जिम और झूलों की व्यवस्था इसमें करके देंगे। आज मैं आपको अपनी कॉलोनी का पूरा टूर कराऊंगा। जहां मैं खड़ा हूं, ये 50 फीट के रोड पे मैं खड़ा हूं, मेरी सीधे तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये 40 फीट की सड़क गई है, और इधर लेफ्ट हैंड की तरफ भी देखें तो 40 फीट की रोड है। तो ये पूरी कॉलोनी का, इस तरीके से मैं आपको पूरी कॉलोनी में लेआउट दिखाता हूं। और जैसा कि आप नक्शे में भी देख रहे थे, तो ये हमारी कॉलोनी का लेआउट है। और मैं, चलिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूं इसके विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी कॉलोनी में सिविर लाइन डाल के देंगे। तो देखिए, ये निर्माण कार्य चल रहा है सिविर लाइन का। इस तरीके से हम मेन हॉल बनाते हैं, हर दो प्लॉट पे एक मेन हॉल बनाते हैं, उसके बाद उसको पाइप से जोड़ के दूसरे मेन हॉल तक ले जाते हैं, फिर दूसरा मेन हॉल दो प्लॉट के बीच में फिर होता है, फिर उससे आगे फिर पाइप डलते हैं। इस तरीके से पानी की निकासी हम करा के देते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, हमारा जो लोकल, जो दुकानें मैंने आपको दिखाई थी, लोकल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिखाया था, उसका लेंटर डल चुका है। उसी लेंटर पे खड़ा होकर मैं आपको कॉलोनी के विषय में बता रहा हूँ। पीछे आप मेरे पीछे, या जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आप देख रहे हैं, ये पूरा कॉलोनी है हमारी। और इस ये लगभग पूरी 100 बीघे जमीन में हमने ये कॉलोनी बनाई है। और इधर आप देखें तो ये शामली की रिंग रोड जा रही है, जहाँ से हमारी, मैंने एंट्री बताई थी आपको, सिंगल गेट एंट्री इस हाईवे से होगी, और 50 फीट के रास्ते से आप अंदर आ जाएंगे। और इस तरीके से कॉलोनी का पीछे लेआउट है। इन सारी चीज़ों के बीच फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बहुत ज़रूरी हो जाती है बताने के लिए, कि हमारे पास यहाँ अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स जो हैं उपलब्ध हैं, जिनमें कम से कम 70 गज से हम शुरू करते हैं। 70 गज का प्लॉट सबसे छोटा प्लॉट हमारे पास है, उसके बाद 92 गज का प्लॉट आ जाता है, फिर 127 गज का प्लॉट होता है, और 139 गज का प्लॉट है, 125 गज में भी है हमारे पास उपलब्ध, और किसी को अगर बहुत ही बड़ा प्लॉट चाहिए तो हमारे पास 200 गज का प्लॉट भी उपलब्ध है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लॉट के साइज मैंने बताए हैं आपको, अब बात आती है कि उनके रेट की कुछ जिक्र कर दिया जाए। तो रेट के विषय में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी कॉलोनी में, आप प्लॉट, कोई भी प्लॉट खरीदते हैं, और अगर आप मकान का निर्माण करने के इच्छुक हैं, तो हम आपको 18,000 ईंटें और 100 कंटे सीमेंट के मुफ्त में आपको उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि आपके मकान के निर्माण में थोड़ा सा सहयोग हमारी तरफ से भी हो। अब करते हैं रेटों की बात। तो रेट हर किसी भी कॉलोनी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ रेट इस तरीके से तय होते हैं कि भाई आगे के रेट ज़्यादा, पीछे अगर आप चले जाएं तो कम, और उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो कम होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम जो रेट तय करते हैं, हमारे रेट रास्तों के हिसाब से तय होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 30 फुट के रास्ता, एक रास्ता है हमारी कॉलोनी में 30 फुट का, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र नहीं करा, मैं आपको 50 फुट और 40 फुट के रास्ते बताता रहा हूं। तो इन सारे 40 फुट के रास्तों को जोड़ने के लिए हमने एक 30 फुट का रास्ता डाला है। उस 30 फुट के रास्ते पर हमारे प्लॉट के रेट हैं 14,000 रुपये प्रति गज, 14,000 रुपये प्रति गज के 30 फुट के रास्ते पे हैं। अगर आप उसी प्लॉट को 40 फुट के रास्ते पे खरीदते हैं तो वो जो है 14,500 रुपये हो जाता है। 50 फुट के रास्ते पे अगर आप आएंगे तो 15,000 रुपये हो जाते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि अगर आप कोई भी कॉर्नर का, दो रास्ते का प्लॉट लेते हैं, तो वो रास्ते के हिसाब से 500 रुपये
एक्स्ट्रा है, जिस भी रास्ते पे वो प्लॉट पड़ रहा है और उसके रेट जो भी उस रास्ते के हैं उसमें 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ आपको एक चीज़ बहुत विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड हो गई है और इसका 143 भी अति शीघ्र हम करा देंगे, और जिससे कि आपको बैंक से किसी भी प्रकार का लोन या किसी भी प्रकार का नक्शा आप बनवाना चाहें और बैंक से लोन लेना चाहें तो आसानी से आप ले सकें। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने रेटों का जिक्र किया है, तो रेट का जिक्र करने के साथ एक खास बात ये हो जाती है बताने वाली आपको कि अभी करीब करीब हमें ये जो है हमने कॉलोनी अगस्त में शुरू की थी, और अगस्त में शुरू करके अभी हमने निर्माण कार्य इतना कर दिया है इस पे, और रास्तों पे इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगेंगी, ये तो भाई विदित है कि भाई कॉलोनी में पक्के रास्ते हम बना के देंगे। तो इसमें थोड़ा सा रेट का रिविज़न शायद अगले महीने की जो है 1 या 2 तारीख से रिवाइज हो जाएंगे रेट, तो वो करीब करीब 1000 रुपये या 1500 रुपये इसकी कीमत होगी, जो उसके रेट बढ़ेंगे, जो रेट मैंने आपको बताएं उनमें 1000 रुपये की वृद्धि हो सकती है। ये सामने जो आप खाली जगह देख रहे हो, ये 8 बीघे जमीन है लगभग, इसमें शामली में पहली बार मॉल बनेगा। सामने शामली का रिंग रोड, करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे पहले भी मैं वीडियो इस पर अपलोड करता रहा हूँ अपने चैनल पे, तो ये भी हमारी वीडियो आपके पसंद में आ जाएगी, और जितने भी आपके रिलेटिव या रिश्तेदार या मित्र जो भी प्रॉपर्टी कहीं सर्च कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, तो आप उन्हें ये हमारी वीडियो शेयर करें जिससे कि वो घर बैठे देख लें। और मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप हमारी कॉलोनी में ज़रूर आएँ एक बार विज़िट करें, देखें कि क्या क्या कार्य हो रहा है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी जो अपडेट है, हम छोटी छोटी वीडियो डालते रहते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि कॉलोनी में क्या क्या कार्य हमारे संपन्न हो चुके हैं और क्या रह रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो इससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो के अंत में आपको फ़ोटो के साथ हमारे फ़ोन नंबर हमने दिए हैं जिन पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कॉलोनी के विषय में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप किसी भी समय 24 घंटे में किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अंत में आभार, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।